इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है सन 2001 को दिखाते हुए, जहां डेविड नाम का एक आदमी अपने बेटे एरिक को उठाने के लिए लेकर जा रहा था ताकि वो स्कूल जा सके। पर जैसे ही डेविड एरिक के पास पहुंचता है तो एरिक के मुंह से झाग निकलने लगे थे। वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और एकदम से अकड़ गया था। डेविड इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने बेटे एरिक को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गया था। ताज्जुब की बात ये होती है कि एरिक के साथ जैसी चीजें हो रही थी उसी तरीके से ही बाकी लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए होते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के मुंह से भी झाग निकल रहे थे। डॉक्टर्स तो पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जो एक साथ सारे सिटी के बच्चों को होते जा रही है। इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता न चलने के कारण डॉक्टर्स इसका इलाज भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। और अब तो एक समय पर हॉस्पिटल में मौजूद सारे के सारे बच्चे हिलने डुलने लगे थे, जैसे कि वो सब अंदर से बहुत ही ज्यादा तड़प रहे थे। बट इसके बाद सिटी के सारे बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से कम होती है वो पूरी तरीके से कोमा में चले गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी देशों की आर्थिक स्थिति काफी कम होती चली गई। जिस भी फैमिली के अंदर बच्चे पैदा होते वो इसी तरीके से कोमा में चले जाते और फिर कभी उठते ही नहीं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से जनसंख्या काफी कम होती चली गई। वैज्ञानिकों को भी इसका कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं होता, जिससे कि सभी लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि शायद यही इंसानियत का अंत हो सकता है। और अब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों जो कि कोमा में चले गए थे उनकी देखरेख कर रहे होते हैं। अब टॉम नाम का एक आदमी कई सालों बाद अपने भाई डेविड से मिलने आया होता है। डेविड टॉम को इतने सालों बाद देखकर खुश तो हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रीजन नहीं होता खुश होने का। डेविड अपने भाई टॉम को देखकर खुश तो हो रहा था, लेकिन सारी चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो जता ही नहीं पाता। टॉम को भी पता चलता है कि किसी अनजान बीमारी की वजह से सारे के सारे बच्चे कोमा में चले गए हैं। वो तो एरिक को भी देखता है जो 9 साल की उम्र से कोमा में मौजूद है। ये सारे बच्चे देख और सुन तो सकते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं दे सकते। सारे स्कूल्स को अब कन्वर्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल में, जिससे कि बच्चों की देखरेख की जा सके। हमें जेन नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो इन सारे बच्चों की देखरेख कर रही थी। जेन को भी पता था कि अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करेंगे तो उनके बच्चे कोमा में जरूर चले जाएंगे। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जेन ने आज तक शादी नहीं की। दरअसल जेन टॉम की एक्स वाइफ होती है, जिसने कि इस महामारी की वजह से ही टॉम को छोड़ दिया था। काम खत्म होने के बाद जब जेन अपने घर पर जाती है तो टॉम उसके सामने खड़ा था। दरअसल टॉम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था जेन के साथ, लेकिन जेन कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वो तो टॉम को इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। अब हमें कैल नाम का एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो क्लेयर और कीप नाम के दो बच्चों को पकड़ कर रखा था। टॉम भी एक पुलिस ऑफिसर था और जब वो कैल के पास आता है तब कैल ने बताया कि ये दोनों बच्चे चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। बट शॉकिंग बात ये थी कि वो दोनों लड़के लड़कियां एकदम से सुरक्षित होती हैं। कई सालों पहले से ही उन्हें ना कोई महामारी हुई और ना ही वो कोमा में चले गए। टॉम ये बात समझ गया था कि इन दोनों बच्चों पर महामारी का कुछ असर ही नहीं होता। फिलहाल के लिए जब टॉम वहाँ से निकला तब उसे अपना भाई सैम मिल जाता है। वो दोनों तो जल्द से जल्द अपने बड़े भाई डेविड के घर पर चले गए थे। डेविड का तो आधे से ज्यादा टाइम एरिक का ख्याल रखने में ही जाता था। देश में चारों तरफ बड़े बड़े दंगे हो रहे होते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पेरेंट्स अब बच्चा पैदा करे, क्योंकि उनके बच्चा पैदा करने पर सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलने वाला था कि वो सब कोमा में चले जाएंगे। और देखते ही देखते इससे जनसंख्या काफी नीचे गिरने लगी। सारी जनता को लगने लगा कि सरकार उनके ऊपर हुकूमत जमाना चाहती है, इसीलिए वो सब अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमें हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एक नर्स को दिखाया जाता है जो सारे कोमा में गए हुए बच्चों की देखरेख कर रही थी। तभी अचानक उस नर्स को दिखाई देता है कि सारे के सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंख खोलकर अच्छे से देखा तो वो बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। कहीं न कहीं उस नर्स को इन सारी चीजों में गड़बड़ी लग रही थी। और अब थोड़े ही समय बाद कोमा में गए हुए वो सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उन सभी के चेहरे पर तो काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। और अब वो सारे बच्चे जो इतने सालों बाद कोमा से बाहर निकले होते हैं उनकी तो एक और पर्सनालिटी देखी जा रही थी, जो तुरंत ही अब उस नर्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वहाँ टॉम जब एरिक को अपने कमरे में देखने गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो शॉक हो जाता है अपने बड़े भाई डेविड का डेड बॉडी देखकर, जिसे कि एरिक ने ही होश में आकर खत्म कर दिया था। और अब एरिक जो बाकी बच्चों की तरह काफी गुस्सैल हो चुका होता है वो टॉम पर हमला करने लगा। अच्छी बात ये थी कि सैम भी उस जगह पर था जो कि वहाँ आकर उसकी मदद करता है। दोनों किसी भी तरीके से एरिक से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। टॉम और सैम ने तो किसी भी तरीके से एरिक को खिड़की पे से ढकेल दिया था, जिससे कि एरिक का पैर टूट जाता है। लेकिन जब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तब एरिक एकदम जॉम्बी की तरह खड़ा हो गया और फिर सैम के ऊपर हमला करने लगा। टॉम के पास कोई और ऑप्शन नहीं था एरिक को मारने के सिवा, इसीलिए उसने एरिक के सर पर हमला करके उसे मार दिया। टॉम और सैम तो अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं बच्चों की मदद करने के लिए।
कुछ देर में जब टॉम और सैम हॉस्पिटल पहुंचे तो सारे के सारे बच्चे जो कि कोमा में थे वो वहां से गायब हो चुके होते हैं। यानी कि एरिक की तरह वो सारे बच्चे भी अब काफी गुस्सैल और जॉम्बी की तरह बन चुके हैं, जो सामने आने वाले किसी भी जिंदा इंसान को मारना चाहते थे। टॉम और सैम जब आगे की तरफ जा रहे थे तब उनके ऊपर दो लड़कों ने हमला कर दिया था जो आज ही कोमा से उठे होते हैं। टॉम और सैम तो अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत भाग रहे थे क्योंकि उन सारे बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और अगर एक साथ वो हमला करेंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अच्छी बात तो ये थी कि टॉम और सैम को वहां पर क्लेयर और किप नाम की वही दो बच्चे मिल गए होते हैं जिन्हें कि टॉम ने पुलिस स्टेशन में देखा था। अब वो दोनों भी मिलकर टॉम और सैम की मदद कर रहे होते हैं सभी बच्चों से बचने के लिए। टॉम और सैम तो हल्के पांव से लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके ठीक सामने बहुत सारे बच्चों की एक टीम आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। इसीलिए अब टॉम और सैम किसी भी तरीके से एक कमरे में जाकर छुप गए थे जहां पहले से ही हॉस्पिटल के बहुत सारे एम्प्लॉइज छुपे हुए होते हैं। टॉम को पता चला कि उन बच्चों ने तो वहां के डॉक्टर को काफी ज्यादा घायल कर दिया है जिसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। बाकी नर्सेस तो काफी ज्यादा डरे हुए थे और बाहर निकलने के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं होती। टॉम यहां पर ऊपर की तरफ एक वेंटिलेशन पाइप जाता हुआ देखता है जिसके अंदर वो तुरंत ही जाने का डिसाइड कर ले रहा था क्योंकि यही एक रास्ता होता है इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का। टॉम को अगर सही रास्ता मिल जाएगा तो वो सभी को भी बुला लेगा वहां से जाने के लिए। टॉम तो दूसरी तरफ निकल पड़ा था बट सैम जब खिड़की से बाहर देखता है तो सारे के सारे ज़ॉम्बी बच्चे एक साथ जमा हो रहे होते हैं जिनकी नजर उसी कमरे पर डायरेक्टली पहुंच गई जहां पर वो सभी लोग छुपे हुए होते हैं। यानी कि अब उन बच्चों को पता है कि वो सब कहां हैं। इसीलिए अब सैम एक बड़ी रस्सी बनाता है कपड़ों की मदद से जो कि नीचे वाले फ्लोर लॉन्ड्री की तरफ लेकर जाएगी। वो तो एक एक करके सारे एम्प्लॉयज को नीचे भेज रहा था जिससे कि वो सुरक्षित रहें। और अब तो वो सारे ज़ॉम्बी बच्चे वहां पर आ चुके होते हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। सैम भी अब धीरे धीरे उस कपड़े की मदद से नीचे उतरता जाता है पर बाद में पता चला कि लॉन्ड्री में तो पहले से ही वो सारे बच्चे मौजूद हैं जो सभी लोगों को मारने लगे थे। सैम भी उन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर एकदम से रुक जाता है और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। सैम कैसे भी ऊपर की तरफ वापस आ गया और उस कपड़े को खोलकर नीचे फेंक दिया क्योंकि सैम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो किसी तरीके से इन्फेक्टेड हो और मारा जाए। वहीं दूसरी तरफ टॉम जो वेंटिलेशन पाइप्स में से जाकर कहीं दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन अब उसके ठीक सामने एक इन्फेक्टेड बच्चा मौजूद था जो शायद टॉम की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता ही है। तभी पीछे की तरफ से जेन आ जाती है जिसने उस बच्चे को इंजेक्शन दे दिया था और वो बच्चा वहीं पर मर गया। जेन अब टॉम के साथ वेंटिलेशन पाइप में से बाहर निकलती है और वो दोनों कैसे भी करके सैम के पास पहुंचते हैं जिसने कई सारे बच्चों को मार गिराया था। सबसे पहले वो तीनों एक सेफ जगह पर जा रहे होते हैं जहां बाकी लोग मौजूद थे। वहां क्लेयर और किप भी आ जाते हैं जो सभी की मदद कर रहे थे बट शायद अब उन सारे ज़ॉम्बी बच्चों की टीम ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। उन सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि सबसे पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा इसीलिए वो सब एग्जिट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने क्लेयर को पकड़ लिया था क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये भी उन सारे बच्चों की तरह इन्फेक्टेड है लेकिन सैम और टॉम उसे समझा रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे। तभी अचानक क्लेयर उस सिक्योरिटी गार्ड को दूर ढकेल देती है जो डायरेक्टली उन्हीं बच्चों के पास चला गया था जो कि पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। उन सभी बच्चों ने तो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया और जान से मारने लगे। अब इतने सारे खूंखार बच्चों को देखने के बाद टॉम और उसकी पूरी टीम वहां से भागने लगे जो डायरेक्टली मेन डोर की तरफ चले जाते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सारे ज़ॉम्बी बच्चे क्लेयर और कीप पर हमला नहीं कर रहे थे इसीलिए टॉम की पूरी टीम को उन दोनों को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। जेन, टॉम, सैम और बाकी लोग दरवाजे को चोर से पकड़ कर रखे थे ताकि बच्चे बाहर ना आ सके। वहीं अब हॉस्पिटल के पास ही में नेथन और उसकी वाइफ नोरा आ जाती है जो लोगों की मदद करना चाहते थे लेकिन ज़ॉम्बी वाले बच्चे उन पर ही उल्टा हमला करने लग जाते हैं। नोरा तो पूरी तरीके से फंस चुकी थी उन सभी के बीच में। जेन कैसे भी उस डोर को लॉक करती है और वहां से भागने लग जाती है। एक ज़ॉम्बी बच्चे ने तो सैम को बुरी तरीके से घायल कर दिया था जो उसके पैर पर हमला करता है बट सही समय पर वहां जेन आ गई और पटक पटक कर उस ज़ॉम्बी को मार दिया। अब तो वो सारे ज़ॉम्बी बच्चे भी दरवाजा तोड़कर उनकी तरफ भागने आ रहे थे लेकिन सभी लोग जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर नेथन की गाड़ी में बैठकर दूर निकल गए। अब एक चर्च में आने के बाद वो सब खुद को सेफ फील कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों का एक भी नामो निशान नहीं था। टॉम ये सारी बातें कंफर्म करने के लिए चारों तरफ देखता है और एक प्रेयर वाले एरिया में आ जाता है लेकिन तभी ठीक उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी लड़की ने हमला कर दिया था जो शायद टॉम को मारने ही वाली होती है। थोड़ी देर में ही प्लेयर वाले एरिया में नेथन अपने साथियों के साथ आ जाता है जिन्होंने देखा कि टॉम ने एक ज़ॉम्बी लड़की को पकड़ कर रखा हुआ है और ये और कोई नहीं बल्कि नेथन और नोरा की बेटी थी। नोरा तो अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है बट नेथन उसे समझा रहा था कि अब ये हमारी बेटी नहीं बल्कि कोई
खूंखार जानवर बन चुकी है, इसीलिए तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। सैम को पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था उसके घाव की वजह से, लेकिन जेन ने उसे कई सारे इंजेक्शंस दिए जिससे कि उसे आराम हो गया। बट उन सभी का खतरा अभी तक टला नहीं होता क्योंकि वो ज़ॉम्बी बच्चे बाहर की तरफ घूम रहे थे। हमें अब एक आदमी दिखाया जाता है जिसे कि ज़ॉम्बी बच्चों ने पकड़ कर रखा था, और अब एक बच्चा उसके ऊपर बैठकर आदमी का सर तोड़ के मार डालता है। ये तो उन सभी के लिए एक रिचुअल जैसा लग रहा था जो किसी शैतान से रिलेटेड हो सकता है। पता नहीं चला था कि ये बीमारी आखिरकार कैसे फैली। यहाँ चर्च में अब टॉम कीप से बात कर रहा था कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे। तब जाकर वो बताता है कि मैंने एक राइटर की बुक पढ़ी थी जिसमें मेंशन था कि सारे बच्चे कोमा में जाने से पहले इस पूरे वर्ल्ड को अच्छे से जी नहीं पा रहे थे अडल्ट्स की वजह से। उन्हें अपने हिसाब से जीने की अनुमति मिलती ही नहीं थी, इसीलिए जब वो सारे बच्चे कोमा में से बाहर आए तो उन्हें जो अच्छा लगा वो वही करने लगे। उनका मेन मकसद बन गया कि अपने एज के ग्रुप के लोगों को छोड़ दिया जाए और बाकी बड़े लोगों को खत्म कर दिया जाए। और शायद यही रीजन हो सकता है कि सभी बच्चों के अंदर वो छुपा हुआ शैतान जाग गया। थोड़ी छानबीन करने के बाद उन सभी को चर्च के अंदर कुछ खाने पीने के सामान मिल जाते हैं, और अब टॉम डिसाइड कर रहा था कि उन्हें किसी भी तरीके से मिलिट्री बेस तक पहुंचना होगा क्योंकि वही एक सेफ जगह है उन सभी के लिए। टॉम और पुलिस ऑफिसर जब प्रेयर हॉल में आते हैं तब पता चला कि उस जॉम्बी लड़की ने अपनी ही मदर नोरा को मार डाला था, और अब तो वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमला करने चली गई। इसीलिए अब मजबूरन उस जॉम्बी लड़की को उसके फादर के सामने ही मार दिया जाता है। अब सारी चीजें सेट होने के बाद उन्हें किसी भी तरीके से मिलिट्री बेस तक पहुंचना होगा। टॉम अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वो अपने घायल भाई सैम को लेकर आगे बढ़ा तब उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी को किसी ने खराब कर दिया है। वहाँ मौजूद सारी की सारी गाड़ियों के पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए थे, इसीलिए टॉम ने जल्द से जल्द बाकी लोगों को चर्च के अंदर वापस जाने के लिए कह दिया था। शायद उन ज़ॉम्बी बच्चों को अब पता चल चुका है कि हम सभी कार से यहाँ वहाँ जाते हैं, इसीलिए उन लोगों ने कार को पूरी तरीके से खराब कर दिया। बट अब टॉम जेन और कीप को बताता है कि मेरे भाई के गैराज में अभी भी एक कार मौजूद हो सकती है, इसीलिए हमें कैसे भी करके वहाँ जाना होगा। और अब टॉम जेन और कीप साथ में मिलकर चले जाते हैं डेविड के गैराज की तरफ। चर्च के अंदर तो वो पुलिस ऑफिसर और सैम मौजूद था जो कि पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं। तभी उन दोनों को खिड़की पर से किसी की परछाई दिखाई देती है, और अब अगले मोमेंट में बहुत सारे ज़ॉम्बी बच्चे दरवाजा तोड़कर चर्च के अंदर घुसने लगे थे। हालांकि पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन इसका कुछ फायदा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ टॉम जेन और कीप किसी भी तरीके से डेविड के गैराज में से एक कार लेने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस जगह पर भी कई सारे ज़ॉम्बी बच्चे मौजूद हैं। अच्छी बात तो ये थी कि पीछे से क्लेयर आ गई थी और उसने उन ज़ॉम्बी बच्चों को गन से उड़ा दिया, जिसके बाद वो चारों जल्द से जल्द कार के अंदर बैठते हैं और चर्च की तरफ आ जाते हैं। बट वहाँ का डरावना मंजर देखने के बाद उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सारे ज़ॉम्बी बच्चों ने हमला करके पुलिस ऑफिसर और सैम को खत्म कर दिया था। जेन और टॉम को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उनके लिए आखिरी प्रे करके वहाँ से निकल जाते हैं। बट अब उन ज़ॉम्बी बच्चों के हाथ में कहीं से वेपन्स लग गए थे जो रास्ता ब्लॉक करके उनकी गाड़ी पर फायरिंग करते रहते हैं। अब टायर पंचर होने के कारण उन्हें कहीं जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। बट जेन तो अपने हाथ में गन लेकर बिना डरे उन दोनों ही बच्चों को शूट करने लग जाती है। ज़ॉम्बी बच्चे घायल होने के कारण जमीन पर पड़े हुए थे, बट जेन उनके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं करती और उन दोनों को जान से मार देती है। टॉम भी जेन का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। टॉम का मानना था कि उन सभी को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन जेन टॉम को जवाब देती है कि हम तब तक नहीं बच सकते जब तक इन ज़ॉम्बी बच्चों को मार न दिया जाए, और वो कह रही होती है कि हमें पुलिस ऑफिसर के केबिन में जाकर और भी सारे हथियार लेकर आने चाहिए। हालांकि टॉम उसे रोक रहा था ये चीजें करने के लिए, लेकिन जेन अब किसी की भी नहीं सुनने वाली होती और वो चल पड़ी होती है पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में। क्लेयर और कीप भी जेन के साथ ही चले जाते हैं। टॉम तो वहाँ पूरी तरीके से अकेला हो गया था और वो खुद का अकेला रास्ता ही चूज करता है। वो सोचने लगा था कि आखिरकार यही इंसानियत का अंत है तो यही सही। अब जेन क्लेयर और कीप ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां रिनोवेशन का काम चालू था। वो तीनों अपनी कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे क्योंकि ज़ॉम्बी बच्चे कहीं भी हो सकते हैं। अब लॉकर रूम में पहुंचने के बाद वो चारों तरफ देखने लगी कि वेपन्स कहां रखे गए हैं। बट शॉकिंग बात ये थी कि उन्हें तो ज़ॉम्बी बच्चों ने पहले ही ले लिया था। तभी क्लेयर बताती है कि वो बच्चे हम पर शक नहीं खाएंगे क्योंकि वो हमें भी अपने जैसा समझते हैं। इसीलिए वेपन्स जमा करने के लिए क्लेयर उन्हीं बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगी और उनके बीच में जाकर वेपन्स लेकर आने लगी। धीरे धीरे करके क्लेयर ने तो काफी सारे वेपन्स जमा कर लिए होते हैं, लेकिन जब वो एक छोटी सी शॉर्ट गन अपनी जेब में रख रही थी तभी कई सारे ज़ॉम्बी बच्चे ने उसे देख लिया होता है, जो शायद समझ गए थे कि ये हमसे अलग है। इसीलिए अब वो क्लेयर पर भी हमला करने लगे।
कीप जैसे ही क्लेयर के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो उसे बचाने चला गया था। क्लेयर तो एक कोने में घायल पड़ी हुई थी। कीप तो अपने हाथ में वेपन्स लेकर आने वाले सभी लोगों को मारता जा रहा होता है, बट एक लड़की ने पीछे से गन की मदद से फिट को मार दिया था। हालांकि क्लेयर उस दूसरे जॉम्बी लड़की को मारने में कामयाब हो जाती है, बट क्लेयर और फिट दोनों ही इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि वो हिल भी नहीं पाते। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो दोनों भी अपना दम तोड़ देते हैं। अब सिर्फ स्टेशन के अंदर जीन ही बची हुई थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। उसे भी ये पता चल जाता है कि क्लेयर और फिट की जान चली गई है। कुछ समय में पता चला कि टॉम भी अब पुलिस स्टेशन के अंदर आ गया है जीन को देखने के लिए। जॉन के ऊपर तो अचानक से किसी ने हमला कर दिया था, बट बाद में पता चलता है कि ये कोई जॉम्बी बच्चे नहीं बल्कि जेन है जो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। टॉम तो जेन को बचाकर किसी तरीके से बाहर लेकर आ जाता है क्योंकि अंदर वो सुरक्षित नहीं रह सकती। वो दोनों तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते ही जा रहे थे और अब कई सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। यहाँ टॉम जेन को समझाता है कि हमें इनसे भागने की कोई जरूरत नहीं बल्कि ये चाहते हैं कि हम उनकी तरह जिए। टॉम जेन को पकड़कर एकदम शांतिपूर्वक वहीं बैठने के लिए कह देता है और उसके हाथ में अपनी एक डायरी का टुकड़ा पकड़ा देता है। टॉम तो अब बिना कुछ हमला किए उन बच्चों के पास चला गया था जो उसके चेहरे को टच करने लगे। जेन भी अपनी आंखें बंद करके अपने अंत को एंजॉय कर रही होती है क्योंकि आखिरकार उसका मरना इसी तरीके से लिखा था। थोड़ी देर बाद जब जेन अपनी आंखें खोलती है तो वो सारे बच्चे और टॉम वहाँ से गायब हो चुके थे। उसे कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर वो लोग गए कहाँ। जेन के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, इसीलिए वो कैसे भी करके अपने घर पर चली जाती है। उसने टॉम का दिया हुआ वो लेटर पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि हमें अपने आने वाले बच्चों को उनके हिसाब से जीने की छूट देनी चाहिए क्योंकि अगर उनके अंदर का शैतान एक बार जाग गया तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती थी। और इसे डरावनी एंडिंग के साथ हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।